गाइज कैसे हैं आप I hope you all are doing great. सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट यस yes, मन कर रहा था आज कहने का बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बट अभी मैंने एक चिटचित वीडियो बनाई थी जिसके अंदर गेट रेडी विद मी फॉर राखी वो शेयर की है उसमें मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें करी हैं अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और मिस हो गई है तो आई बटन में मैं दे दूँगी उसका लिंक ज़रूर देख लेना एंड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आज की वीडियो में अमेजॉन कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ स्पेशली मैंने एक्चुअली राखी को ध्यान में रखते हुए मंगवाया था बट कोई बात नहीं अभी तो फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे आगे शुरुआत है अभी तो तो आप कभी भी इन्हें स्टाइल कर सकते हो तो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच मोर कंटेंट नाउ लेट्स गेट स्टार्ट जो फर्स्ट है वो कुर्ता है अकेला वन पीस और उसके बाद सारे कुर्ता सेट्स हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुर्ता से एंड दिस इज इन वेरी ब्यूटीफुल कलर ग्रीन कलर में ये आपको मिलता है बॉटल ग्रीन कलर है ये कलर जो है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है एंड यू नो फेस्टिवल्स पे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है तो सिंपल कुर्ता है बट इसके गले पर आपको ये वर्क मिल जाएगा जरी का पोटली बटन्स लगे हुए हैं सिंपल सा कुर्ता है बट इसे आप इतने अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइक ये लिबर्टी देता है आपको कि आप

इसमें भी डाल के जा सकते हैं यू कैन सी कितना है और स्टाइल किया हुआ मैंने actually आपको दिखा भी दिया है स्मॉल साइज के अंदर से है। है लिया सेकेंड जो है कुर्ता वो बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है थ्री पीसेस के अंदर और ये वन ऑफ द बेस्ट कुर्ता सेट बिकॉज बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है ऑफ व्हाइट कलर में यानी कि बेज कलर के अंदर है पूरा एंड इसके अंदर देखोगे ना आप तो सेल्फ में भी आपको एक ना शाइनी थ्रेड का यू you नो know, काम मिलेगा जो सेल्फ के अंदर है और ये बिल्कुल भी चुभेगा नहीं आपको मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी इसको स्ट्रेट कुर्ता है विद साइड स्लिट्स एंड स्लीव्स आपको इस तरह से मिलते हैं जिसके ऊपर ये डोरी है विद सम समेसल कलर पॉप ऑफ कलर आपको मिल जाएगा इसके अंदर टेसल्स में एम्ब्रॉयडरी आप एक बार जरूर देखिए नजदीक से कि कितनी ज्यादा प्यारी है बहुत ही ज्यादा मतलब इंट्रीकेट है मतलब बारीकी से काम किया हुआ है जरी का जो गोल्डन थ्रेड होता है वो और साथ में रेड कलर बहुत ही सुंदर मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी लगी एंड ये इंडो एरा ब्रांड से यू नो कि इंडो एरा ब्रांड की जो स्टफ है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है ये विस्कॉस मटेरियल के अंदर है मैंने स्मॉल साइज लिया इसका एंड इसके साथ आती है ये सिंपल स्ट्रेट पैंट्स ये क्रॉप पैटर्न के अंदर है पॉकेट मिल जाएगी फिटिंग काफ़ी अच्छी स्मार्ट है एंड दिस इज़ रियली वेरी वर्सेटाइल पीस आप इसको अपने अदर आउटफिट्स के साथ इजिली पेयर कर सकते हैं इवन जो मैंने आपको ग्रीन कलर का ये दिखाया था गोल्डन कलर के साथ पेयर कीजिए जब आपको स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार होना हो बट अगर मान लो आपको ऑफिस के लिए जाना है तो इस कपड़े के साथ क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी शाइन है तो इस तरह का जो बॉटम है वो बहुत अच्छे से जाएगा और आप इजीली से यू नो ऑफिस या रेगुलर वेयर के लिए इसके साथ पैर कर सकते हैं देन इसके साथ जो दुपट्टा आता है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है मैं इतना यू नो एम्साइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा बनारसी जो वर्क होता है ना सेल्फ में वो है इसके अंदर एंड लंबाई काफ़ी अच्छी है विथ आप देख सकते हैं पूरा फुल दुपट्टे जितनी नहीं है पर इंडो एरा के जितने भी कुर्ता सेट अभी तक मैंने ट्राई किया ना उन सब में चौड़ाई इतनी होती है लंबाई पूरी होती है और ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दुपट्टा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और गोल्डन दुपट्टा तो मैं हमेशा कहती हूँ आपके कलेक्शन में होना चाहिए तो इसलिए ये वाला पीस भी काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल बन जाता है ये सेट बहुत ज़्यादा सुंदर है बट ये बताते हुए लिटरली मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है एंड मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे विशलिस्ट कर लीजिए और जब भी ये इन स्टॉक आए आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ बढ़ते हैं और ये अनारकली में नो फ्लेयर वाला कुर्ता है बहुत ही सुंदर है ये भी सबसे पहले तो कलर ही बहुत प्यारा है और इसके पूरा फ्लोरल पैटर्न है एंड uh, काफी बार आप बोलते हैं कि नो you know, फ्लेयर वाले भी दिखाए तो मैंने बीच में एक दो पीसेस फ्लोरल वाले, आ, फ्लोरल नहीं फ्लेयर वाले भी रखे हैं सो so, अगर आप अपने you know, प्रेगनेंसी में हैं या फिर uh, you know, आप प्रेफर करते हैं इस तरह के तो आप ये वाला भी ऑप्शन मैंने इंक्लूड कर दिया तो इसके अंदर यह फ्लेयर है नीचे गोटा पट्टी का काम हो रखा है कलियां हैं एक्चुअली इसके अंदर गले पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पहले तो पैच हुआ कर और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सफाई

दोनों पॉकेट मिल जाते हैं फ्रंट से आपको ये इस तरह का बैंड मिलता है इवन लार्ज साइज़ को मैं अच्छे से ना टाई करके मतलब मेरे को इसका साइज में भी इश्यू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ड्रॉस्ट्रिंग है तो मैं इसे टाइट कर पाई एंकल लेंथ तक आ रही थी और साथ में बूट कट भी है तो काफ़ी स्मार्ट लगी इसकी पैंट और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है येलो पिंक और जो उसके अंदर ग्रीन भी लीव्स हैं कुर्ती में बहुत सुंदर लग रही थी तो so, इस तरह का फुल लेंथ दुपट्टा है विर्थ और लेंथ अच्छी है इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा हाई है बट ये जस्टिफाई करता है बिकॉज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये स्ट्रेट कुर्ता था कुर्ता सेट और ये अनारकली है तो ऑब्वियसली अनारकली में तो थोड़ा सा और भी रेंज चला जाता है तो बट आप क्वालिटी में निश्चिंत रहिएगा क्वालिटी अच्छी है एंड स्टिचिंग वगैरह डिज़ाइन वगैरह और पहनने के बाद लुक तो आपको देख ही सकते हो कि कैसा आ रहा है सो so, आपके बजट में अगर आता है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा मुझे लग रहा है ये अनियन जो डार्क रेड अनियन होती है ना रेड अनियन वाला कलर लग रहा है एंड इसके ऊपर बहुत ही सुंदर ये प्रिंट हो रखा है बहुत अच्छा लगता है इस तरह का प्रिंट एंड स्लीव आप देख सकते हैं गोटा पट्टी की डिटेलिंग है सिल्वर वर्क है गले के ऊपर आपको इस तरह का पहले पैच वर्क मिल जाएगा सेम काम आपको स्लीव्स पर मिल रहा है और सेम काम आपको नीचे बॉटम पे मिल जाएगा स्ट्रेट सिंपल कुर्ता है बट बहुत प्यारा है एंड लेंथ काफ़ी अच्छी है तो इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और कॉटन मटीरियल के अंदर है मैंने जो साइज लिया है इसके अंदर वो है थर्टी एट दैट मीन्स की मीडियम इसके साथ जो आती है पेंट्स उसके ऊपर भी प्रिंट है जो बहुत सुंदर है सी थ्रू नहीं होगा क्योंकि एक तो ये डार्क कलर है तो आपको स्लिप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें भी वही बॉर्डर आपको नीचे मिल जाता है एंड बूट कट है ये स्ट्रेट पेंट्स हैं एंड इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाएगी एक तरफ पॉकेट है और फ्रंट से आपको ऐसा मिलेगा स्ट्रेट और पीछे से इलास्टिक तो ये पेंट्स भी इसकी काफ़ी स्मार्ट हैं एंड दुपट्टा तो वही कॉटन मटेरियल के अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा है लंबाई चौड़ाई जो दुपट्टे की जो फुल आती है ना ढाई मीटर वही है इसके बाद है नेक्स्ट जो कुर्ता ये बिल्कुल सिंपल सा है बट बिकॉज इस, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने इसे भी पिक कर लिया एंड yeah, या ये, ये स्ट्रेट कुर्ता है आपका विद साइड स्लिट एंड वी नेक आता है और फ्रंट से लेके नीचे तक आपको इस तरह का ये वर्क मिल जाता है काफ़ी प्यारा लगा मुझे इसका पैटर्न और छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर आप देखेंगे कितनी सुंदर लग रही हैं तो बिल्कुल सिंपल सोबर सा है बट पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ कलर एंड वी नेक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्लीव्स पे भी आपको बॉर्डर मिल जाता है और ये वाइड लेग प्लाजो के साथ आता है वाइट बेस के अंदर ब्लू प्रिंट है एंड या yeah, इसके अंदर भी पॉकेट है दोनों तरफ से इलास्टिकेटेड है तो काफ़ी रिलैक्स ढीला ढाला इसका प्लाजो है एंड फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है और ये आई थिंक इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड ये आता है इस तरह के दुपट्टे के साथ दुपट्टे पे भी सेम प्रिंट है जैसा आपको ट्राउजर्स पे मिलता है कॉटन मटेरियल के अंदर है एंड इसके अंदर साइज मैंने लिया है स्मॉल एंड ये uh, है फ्रॉम द ब्रांड पार्थी तो ये हो गया एंड इसका ब्रांड मैंने आपको बताया क्या भूल जाती हूँ मैं मिर्ची फैशन इसका ब्रांड है दिस वन फ्रॉम मिर्ची फैशन इसके बाद नेक्स्ट है कुर्ता सेट एंड दिस इज़ एन वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड वस्त्रमेनिया स्मॉल साइज़ के अंदर है ये एंड स्ट्रेट कुर्ता है इसके ऊपर वाइट प्रिंट हो रखा है और बीच में आपको थोड़ा सा फॉल प्रिंट भी मिलेगा एंड स्लीव्स पे आपको ये बॉर्डर मिल जाता है तो यू कैन सी कि पहनने के बाद जो इसका लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है बिकॉज़ कलर बहुत अच्छा है एंड कॉटन मटेरियल है सो काफ़ी सूदिंग है ये पहनने में बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा था और ये इस तरह की पैंट्स के साथ आता है स्ट्रेट सिंपल पैंट्स हैं एंड या लंबाई आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है पैंट्स की चैकर्ड प्रिंट है इसके ऊपर एंड दोनों तरफ से इलास्टिकेटेड है जो इसकी पेंट से वो थोड़ी फिटेड वाली जो होती है ना स्ट्रेट पैंट वैसा है एंड इसके साथ ये कॉटन का दुपट्टा आता है फुल लेंथ दुपट्टा है ये एंड नीचे आपको इस तरह का प्रिंट मिलता है जो कि कुर्ते के अंदर था एंड यहाँ पर आपको ये बीच में बूटियों वाला मिलता तो काफ़ी प्यारा सा ये सेट लग रहा था एंड या कॉटन मटीरियल में है स्मॉल साइज में है इसके बाद जो लास्ट है वो uh, अनारकली स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है बट डिसेंट फ्लेयर है बट पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये है आ... कैसा कलर बोलेंगे ब्रिंजल का जैसा कलर होता है ना बिल्कुल डार्क बैंगनी वाला वैसा कलर है एंड इसके ऊपर यहाँ पर आपको बॉर्डर मिल जाएगा स्लीव्स के ऊपर फ्रंट में आपको बटन पे भी यहाँ पे ये यह फॉयल प्रिंट मिल जाता है और काफ़ी लंबा कुर्ता है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है और आई एम फाइव फीट नीचे पूरा ये पैनल पर आपको ये फॉल uh, प्रिंट मिलता है तो काफ़ी सिंपल सा है पूरा बट जो डिटेलिंग है जैसे कि दुपट्टे के चारों तरफ और बॉटम पे एंड आपकी स्लीव्स पे तो काफ़ी सुंदर लग रहा था पूरा का पूरा पहनने के बाद सो so, इस तरह की पैंट्स है ये भी दिस दिस सेट इज़ ऑल्सो फ्रॉम वस्त्र में स्मॉल साइज़ में लिया और इसकी भी जो पैंट्स है वो थोड़ी फिटेड है स्मॉल साइज़ में लिया आई थिंक मुझे इसमें मीडियम लेना चाहिए था सो फिटेड स्ट्रेट पैंट्स हैं ये एंड आई थिंक आप इसके अंदर साइज अप कर सकते हैं लाइक like, uh, मैं स्मॉल uh, साइज भी मुझे आने लग गया है बट इसके अंदर थोड़ा मुझे लग रहा था फिटेड है तो इसमें मैं मीडियम ले सकती थी इसके साथ ये दुपट्टा आ रहा है सेम अच्छा ये रेयन मटेरियल के अंदर है एंड इसके साथ पूरा का पूरा ये इस तरह का दुपट्टा है जिसके ऊपर फॉल प्रिंट हो रखा है वही फैब्रिक है जो कुर्ते का और बॉटम का है तो ये वाला था लास्ट सेट सो गाइज ये था आज का कलेक्शन ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा सेट सबसे अच्छा लगा एज़ यूजर मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ एंड या आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन टिल दिन टेक केयर बाय बाय